कि आप भी लंबा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, हाँ, कि आप भी दो तीन स्क्रीनशॉट के बदले एक ही स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, हाँ, कि आप भी स्मार्ट बनना चाहते हैं, अरे हाँ भाई हाँ, तो टेंशन मत लीजिए क्योंकि अभी आप स्मार्ट बंधु के साथ में हैं और आज मैं आपको स्मार्ट बनाकर ही छोड़ूंगा। तो चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं कि लंबा स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। लेकिन अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इससे आपका कुछ जाएगा नहीं लेकिन आपको सही वीडियो सबसे पहले जरूर मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं 4-5 कंपनियों के मोबाइल में लंबा स्क्रीनशॉट लेकर दिखाऊंगा और यदि उनमें से आपका कंपनी नहीं है फिर भी आप अगर वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपने मोबाइल में लंबा स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। और यदि उनमें से आपका कंपनी है तब तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यह रेडमी का मोबाइल है तो चलिए देखते हैं कि इसमें लंबा स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। चलिए सेटिंग ओपन कर लेते हैं और सेटिंग का ही लंबा स्क्रीनशॉट लेते हैं। हमने सेटिंग ओपन कर लिया तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन आया है एक्सप्लोर का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद से जितना नीचे चाहें हम उतना नीचे यहाँ पर घुसका कर और उसके बाद से जब डन कर देंगे तो जितना हमने नीचे यहाँ पर किया है उतना का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो हम यहाँ पर सेव कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं कि गैलरी में गया है कि नहीं गया है और गैलरी में कैसा दिख रहा है। तो हम ऐसे गैलरी ओपन कर लेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर यह स्क्रीनशॉट कितना लंबा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यह वीवो का मोबाइल है तो चलिए देखते हैं कि इसमें लंबा स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। चलिए इसका भी सेटिंग ओपन कर लेते हैं और इसके सेटिंग का ही लंबा स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो हमने सेटिंग ओपन कर लिया है। अब यहाँ से हम स्क्रीनशॉट लेंगे और जैसे ही स्क्रीनशॉट लेंगे कि यहाँ पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट का एक ऑप्शन मिल जाएगा और आप इस पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद से जितना नीचे चाहिएगा उतना नीचे करके और डन कर देना है। तो यहाँ पर भी लंबा स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं कि गैलरी में कैसे दिख रहा है। तो हम गैलरी ओपन कर ले रहे हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भी स्क्रीनशॉट कितना लंबा दिखाई दे रहा है। यह रियलमी का मोबाइल है तो चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें लंबा स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। तो इसका भी सेटिंग ओपन कर लेते हैं और सेटिंग का ही लंबा स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए सेटिंग ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रॉल का एक ऑप्शन मिल गया है, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद से जितना नीचे चाहें हम उतना नीचे कर देंगे और उसके बाद से डन कर देंगे तो यहाँ पर भी लंबा स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि गैलरी में कैसे दिख रहा है। तो गैलरी ओपन कर लेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट कितना लंबा दिख रहा है। यह सैमसंग का मोबाइल है तो चलिए देखते हैं कि इसमें लंबा स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। इसका भी सेटिंग ओपन कर लेते हैं और सेटिंग का ही स्क्रीनशॉट लेते हैं। हमने सेटिंग ओपन कर लिया है। अब यहाँ से हम स्क्रीनशॉट लेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद से यहाँ पर जितना बार क्लिक करेंगे उतना हम नीचे जाएंगे और उसके बाद से स्क्रीन पर टच कर देंगे तो उतना का यहाँ पर स्क्रीनशॉट हो जाएगा। चलिए देखते हैं गैलरी में कि कैसा स्क्रीनशॉट हुआ है। तो गैलरी ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर यह स्क्रीनशॉट कितना लंबा हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।